प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में उनका द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का कहानी एवं उपन्यास शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, और इसके साथ ही अध्ययन करेंगे मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज का। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इस चीज़ की अगर बात की जाए तो हिंदी गद्य का जो शुरुआत है वो यूं देखें तो कम रूप में या न्यून रूप में बहुत पहले से मिलती है, लेकिन जो इसका वास्तविक विकास शुरू हुआ वो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर ही माना जाता है। इसके विकास के को कालक्रम में बांटकर इसका सहजता से अध्ययन किया जा सकता है। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, इसको हम अलग अलग बिंदुओं में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा बिंदु है भारतेंदु युग और हिंदी गद्य। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखना प्रारंभ किया था और उनके समकालीन साहित्यकारों ने जो रचनाएं हिंदी साहित्य को दी, या यूं कहें कि हिंदी गद्य को दी, वो सारा का सारा साहित्य हिंदी गद्य के आधुनिक काल में या भारतेंदु युग के अंदर आता है। हिंदी गद्य का जो भारतेंदु युग है उसका जो मोटा मोटा काल माना जाता है वो 1850 से 1900 तक का काल है। इस काल में नवजागरण की चेतना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जगाई। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया, बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका सत्यात प्रकाश नामक ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ की रचना भी उन्होंने हिंदी गद्य में ही की। हिंदी गद्य को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हर तरह से, हर प्रकार से प्रयास किया और एक नई चेतना हमारे हिंदी के लेखकों को दी। इस काल में मुख्य रूप से जो हिंदी गद्य का इतिहास, गद्य का जो साहित्य लिखा गया, उसमें निबंध, नाटक, कहानी, समाचार पत्र, ये कुछ विविध विधाएं इस काल में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हम देखते हैं कि बाकी जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास है, जो काल है, जो काल विभाजन जो किया गया है, चाहे वह आदिकाल है, चाहे रीतिकाल है, चाहे मध्यकाल या भक्तिकाल जिसे कहा गया है, वह है, उसमें जितना भी कुछ साहित्य रचा गया है वह सारा ही साहित्य है वो पद्य में लिखा गया है। लेकिन आधुनिक काल ही एक ऐसा काल है जिसमें जो लिखा गया है वो गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग रूप से लिखा गया है। और इस काल की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें निबंध, नाटक, कहानी, समाचार, ये अलग अलग कई विधाएं और विकसित हुई, और धीरे धीरे इनका भी आगे विकास होता गया, उनमें कुछ नई विधाएं जुड़ती भी गई। विद्यार्थियों, भारतेंदु काल के, या यूं कहें कि भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, उनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, ये प्रमुख थे। इस काल में जो साहित्य रचा गया, जो गद्य साहित्य लिखा गया विशेषकर, क्योंकि कविताएं तो बहुत पहले पुराने समय से लिखी जा रही थी और उसको लिखने में हमारे कवियों को, लेखकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, उनका हाथ बड़ा जमा हुआ था उसमें, वो बड़े सिद्ध हस्त हो चुके थे, लेकिन गद्य लिखना उनके लिए एक नई चीज़ थी। और इसके कारण ये एक और था कि उससे पहले जो साहित्य की भाषा थी वो ब्रजभाषा थी, और ब्रजभाषा से खड़ी बोली में लिखना भी उनके लिए एक नई बात थी। लेकिन इस काल का जो हिंदी साहित्य है, गद्य साहित्य है, वो बड़ा सरल और संप्रेषणीय है, उसमें दुरूता नहीं,
कठिनाई नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या उसके साथ है कि उसकी व्याकरण ठीक नहीं थी। उस समय व्याकरण के कोई सामान्य या सर्वमान्य नियम नहीं थे, ऐसे कोई नियम नहीं थे जिसको सभी विद्वान जिस पर एकमत हों। कोई वाक्यों के नियम नहीं थे, वर्तनी संबंधी नियम नहीं थे, व्याकरण से संबंधित नियम नहीं थे, अनेक तरह की अशुद्धियाँ कह सकते हैं कि भाषा में उस समय व्याप्त थी। लेकिन धीरे धीरे इन सब का विकास होता गया और ये आगे से आगे प्रगति करते गए। भारतेंदु युग की ये बड़ी एक समस्या थी कि व्याकरण सम्मत नियम नहीं थे, लेकिन भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा युग आता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कर्णधार थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने हिंदी की अथाह सेवा की। सन 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और इसी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम निश्चित किए। उन्होंने निश्चित कर दिया, या यूं कहें कि बहुत से ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून भाषा के लिए निश्चित किए और जिस पर सभी विद्वान एकमत हुए, वो निश्चित उस तौर पर उनको स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, कि वो नियम आज भी ज्यों की त्यों चल रहे हैं। और उन नियमों को मानने के बाद, उन नियमों को निश्चित कर दिए जाने के बाद, हिंदी एक अपनी ही चाल में चली, अपने ही एक रंग में चली, जो आज विश्व की एक बड़ी ही आधुनिक श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन संभाला और उसके बाद उन्होंने अनेक विद्वानों को प्रेरित किया, अनेक कवियों को प्रेरित किया उनमें रचनाएं भेजने के लिए। उनके पास जो भी रचनाएं आती, जो भी सामग्री उनके लिए प्रकाशन के लिए भेजी जाती, वो उसका संपादन करते, उसे अच्छी तरह से जांचते, परखते, अपेक्षित उसमें सुधार करते और उसके बाद ही उसे प्रकाशित करते। और उस सुधार करने के बाद जो प्रकाशन होता, वो हिंदी का एक श्रेष्ठ मानक रूप कहलाता। और इसी के कारण आज हिंदी इतनी परिष्कृत और प्रांजल भाषा बन पाई है। आचार्य द्विवेदी के काल में जो इनके समकालीन साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी की सेवा की, हिंदी गद्य को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले गए, उनमें गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी की सेवा की। हिंदी में निबंध, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास सब विधाओं पे अपने हाथ आजमाई और सब तरह से हिंदी को आगे बढ़ाया। हिंदी गद्य में एक तीसरा युग, और यूं कहें कि इसे भी अगर क्रांतिकारी युग हिंदी साहित्य का कहा जाए, हिंदी गद्य का कहा जाए, तो अतिशयोक्ति न होगी, जिसे कहा जाता है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग, जब मुंशी प्रेमचंद ने लिखना प्रारंभ किया। मुंशी प्रेमचंद ने जब तक लिखा, वो सारा काल, जिसे प्रेमचंद उनके नाम से ही प्रेमचंद युग के नाम से अभिहित किया गया, इनके समय में हिंदी गद्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अनेक उपन्यास, अनेक कहानियां, अनेकों निबंध लिखकर इन्होंने हिंदी की इतनी सेवा की कि जैसा शायद विश्व साहित्य में किसी अन्य साहित्यकार ने नहीं की होगी। चाहे वह उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी हो, उसमें इनके बराबरी का दूसरा लेखक कोई नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। इन्हें कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कथा सम्राट, कई तरह की उपाधियां अपनी इसी विशिष्टता के कारण, अपनी इसी
हिंदी की सेवा करने के लिए प्रदान की गई। इनके काल में अनेक विधाओं का सृजन हुआ और इन विधाओं का केवल सृजन ही नहीं बल्कि उत्तरोत्तर विकास हुआ। स्वयं प्रेमचंद एक बड़े ही प्रतिष्ठित साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार रहे हैं। और इनके बाद जो एक विशेष महत्वपूर्ण काल आता है, शुक्ल युग। शुक्ल युग हिंदी गद्य का ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि जो विकास प्रेमचंद ने दिया उसे प्रौढ़ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रदान की। एक गंभीर लेखक, गंभीर चिंतक, विद्वान, मनीषी, कौन कौन सी उपाधियां हैं जो इन्हें नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता दी, स्वयं उन्होंने अनेक निबंध लिखे। मनुष्य के भावों पे, मनोविकारों पे आचार्य शुक्ल ने बड़े ही गंभीर निबंध लिखे। आलोचना साहित्य की अगर जिक्र किया जाए तो आचार्य शुक्ल का नाम उसमें सर्वोपरि है। आचार्य शुक्ल के ही समकालीन जो दूसरे साहित्यकार हुए हैं उसमें श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संक्रत्यान जो प्रमुख साहित्यकार इस काल के रहे। ये सब ऐसे साहित्यकार हैं जिनका हिंदी गद्य में योगदान अविस्मरणीय है। इनके योगदान को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। हिंदी के गद्य के विकास के लिए आचार्य शुक्ल और उनके समकालीन साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस काल के बाद आचार्य शुक्ल चूंकि एक बड़े महत्वपूर्ण लेखक, आचार्य, मनीषी, चिंतक थे, शुक्लोत्तर युग। तो वो मनीषी, आचार्य और चिंतक थे, उनके नाम को लेकर चलते हुए अगला जो युग था, अगला जो काल था इसका हिंदी गद्य का, उसका नाम भी इनके नाम के अनुसार ही शुक्लोत्तर, शुक्ल के बाद का युग या बाद का काल रखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो एक महत्वपूर्ण लेखक हिंदी साहित्य को मिले वो थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने अनेक उपन्यास और निबंध लिखकर हिंदी की सेवा की। इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेखा आदि सरल सहज गद्य के उपन्यास लिखे। अशोक के फूल, कुटज, कुछ विचार, विचार प्रवाह, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, समालोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी इत्यादि सभी चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों, इनके जो प्रमुख निबंध है उनमें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह ये प्रमुख है। शुक्लोत्तर काल में कुछ नई गद्य विधाओं का भी विकास हुआ, जिसमें समालोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा, फीचर, पत्र, यात्रा वृतांत इत्यादि सब अपने आप में आगे विकास करते गए या इन नई गद्य विधाओं का विकास यहाँ से आरंभ हुआ। शुक्लकाल या शुक्लोत्तर काल की बात की जाए तो उसके जितने भी साहित्यकार हैं सबने इन नई नई विधाओं पे अपने हाथ आजमाए, इनको आगे बढ़ने के लिए, विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण और हर तरह से, हर प्रकार से अपना परम योगदान दिया। इसके बाद हम
जिस चीज की बात करें या एक महत्वपूर्ण गद्य की विधा है वो है उपन्यास। विद्यार्थियों, हिंदी गद्य की जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ से ही एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में चलता आ रहा है, वो है कि उपन्यास क्या है। बार बार हम कह रहे हैं कि भारतेंदु युग है, चाहे द्विवेदी युग है, चाहे प्रेमचंद युग है, शुक्ल युग है या शुक्लोत्तर युग है, सभी में एक शब्द हमारे सामने आया है, वो है उपन्यास। उपन्यास की बात हम करें कि उपन्यास कौन सी विधा है, क्या है, क्या इसमें होता है और कौन कौन से उपन्यास, किस किस तरह के उपन्यास लिखे गए, क्या उपन्यास का इतिहास रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करें। उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ है, उप योग न्यास, यानी कि नज़दीक रखा गया, जो जीवन के करीब हो, जीवन के नज़दीक रखा गया हो, या ऐसी गद्य रचना जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि वो हमारे जीवन के बेहद नज़दीक है, करीब है। तो ये आधुनिक गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें प्रत्येक पाठक अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पाता है। प्रत्येक पाठक ये देखता है कि उसके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, उसमें उसे कुछ न कुछ ऐसा अवश्य मिलता है कि जिससे उसका तादात्म्य, उसका एकाकार उस रचना के साथ हो जाता है, अपना जुड़ाव वह उस रचना से अनुभव करने लगता है। तो ऐसी जो रचना है गद्य की, वो है उपन्यास। अब उपन्यास में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या उसमें आता है। उपन्यास में एक तो उसकी जो कथा वस्तु है वो बड़ी बृहद और विस्तृत होती है, जिसमें किसी उसके नायक के जीवन के एक भाग का बड़ा विस्तार से वर्णन किया जाता है। उपन्यास के छह प्रमुख तत्व होते हैं। उपन्यास के तत्वों की बात अगर की जाए तो उसके छह तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल एवं वातावरण, शैली और उसका उद्देश्य, ये जो छह उसके तत्व एक उपन्यास के माने गए हैं। छह तत्वों में शामिल किया गया है कथानक या कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, जो उसके तत्व बताए गए हैं। तो एक अच्छे उपन्यास की समीक्षा इसी आधार पे कि उसके कौन कौन से तत्व हैं, किस उपन्यास में कौन कौन से तत्व कहाँ कितने सजग कारगर रूप से आए हैं, इसी आधार पे किसी भी उपन्यास की समीक्षा की जा सकती है। एक अच्छे उपन्यास में उसके सभी जो तत्व हैं उनका होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, हिंदी उपन्यास की अगर बात की जाए तो हिंदी उपन्यास की शुरुआत को भी जिन कालक्रमों में बांटा गया है उनमें सबसे पहले भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा प्रेमचंद युग और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर उपन्यास, साठोत्तर उपन्यास
इत्यादि इत्यादि अलग अलग कालखंडों में उसे बांटा जा सकता है। भारतेंदु युग के उपन्यासों की अगर बात की जाए तो इस काल के जो उपन्यास हैं वो सभी अनुदित उपन्यास हैं, या ये कहे कि ये अनुवाद का युग है उपन्यासों के लिए, ये अनुवाद का काल रहा है, क्योंकि इस काल में जो अधिकतर उपन्यास है वो सभी अनुदित है। इस काल में पहला जो मौलिक उपन्यास लिखा गया वो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसकी रचना 1882 में हुई। इसी प्रकार श्रद्धाराम फिलोरी द्वारा भाग्यवती उपन्यास की रचना की गई, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लवंगलता, कनक कुसुम, त्रिवेणी, लीलावती, कुसुम कुमारी, रजिया बेगम, प्रेममयी, तारा, मस्तानी, चपला, चंद्रावली, ये इस तरह के उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए, और इनमें से भी अधिकतर उपन्यास अनुवादित थे। अधिकतर जिन उपन्यासों का अनुवाद हुआ वो बंगला के उपन्यास थे। भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ उपन्यासों का अनुवाद किया, और भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे उनमें अधिकतर साहित्यकारों ने उपन्यासों का अनुवाद किया, चाहे वे अंग्रेजी के उपन्यास हों या बंगला के या किसी अन्य भाषा के। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें यह है, एक तो बंगला के उपन्यास है उनका अनुवाद सर्वाधिक हुआ, और दूसरा अंग्रेजी के उपन्यासों का उसके बाद अनुवाद किया गया। अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किए गए उपन्यास कम हैं, लेकिन फिर भी भारतेंदु युग जो कि का शैशवकाल, उपन्यास का शैशवकाल कहा जा सकता है, उसमें उपन्यास मौलिक उपन्यास कम लिखे गए और अनुदित उपन्यास अधिक थे, इसलिए इस काल को अनुवाद का युग या उपन्यासों के अनुवाद का युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग विद्यार्थियों ये हमने पहले अध्ययन कर लिया है, इस बात पे चर्चा कर ली है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको भी कालखंडों में फिर से बांटा गया है, और जिसमें सबसे पहले भारतेंदु युग, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका लेखन मंडल है, दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल जब उन्होंने लिखना आरम्भ किया और उनके समकालीन साहित्यकारों ने लिखा, तो वो है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में जितना कुछ भी लिखा गया उनको उन्हीं के नाम के अनुसार, जो भी गद्य साहित्य है वो उन्हीं के अनुसार द्विवेदी युग के अंतर्गत रखा जाता है। द्विवेदी युग में जो उपन्यास लिखे गए उनकी जो मुख्य प्रवृत्ति या विशेषताएं हैं वो यह है, इसमें एक तो तिलिस्मी और अय्यारी से संबंधित उपन्यास लिखे गए, जिनमें चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति दो बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए। चंद्रकांता उपन्यास के लिए कहा जाता है कि इस उपन्यास ने इतनी धूम मचाई, इतना ये प्रसिद्ध हुआ कि इस उपन्यास को पढ़ने मात्र के लिए, कि एक बार लोग उसको पढ़ सकें, हिंदी नहीं जानने वाले या हिंदी से बेहद दूर रहने वाले लोगों ने भी हिंदी पढ़ना सीखा। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो लोग हिंदी से कभी जुड़ना नहीं चाहते थे, हिंदी से हमेशा दूर रहते थे, उन लोगों ने भी हिंदी सीखी और फिर इन उपन्यासों को स्वयं पढ़ा, तो कितने लोकप्रिय ये उपन्यास हुए होंगे, जिसमें तिलिस्मी और अय्यारी का ही विशेष रूप से चित्रण है, और अगर तिलिस्मी और अय्यारी दो चीज़ों को उनसे निकाल दिया जाए तो शायद उन उपन्यासों में कुछ विशेष ना रहे। तो तिलिस्मी और अय्यारी पे लिखे गए विशेष प्रमुख उपन्यास द्विवेदी काल में लिखे गए। इसी प्रकार से इस काल में जासूसी के उपन्यास भी अत्यधिक मात्रा में लिखे गए, और इसमें प्रसिद्ध रहे इलाचंद्र जोशी। घटना प्रधान उपन्यास जो इस काल की एक अन्य विशेषता है, और इसी तरह के
कुछ अन्य विशेषताएं लिए हुए एक विशेष उपन्यास है, ऐतिहासिक विशेषताओं से युक्त, यानी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित उपन्यास, जिसमें इतिहास को आधार बनाकर उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर भी इस द्विवेदी काल में अनेक उपन्यास लिखे गए। इतिहास में जो भारत को गौरव प्राप्त था, किसी काल में भारत सोने की चिड़िया था, किसी काल में भारत विश्वगुरु था, वो इतिहास में जो भारत का गौरव था, उस गौरव का गान इन उपन्यासों में लेखकों ने किया है। अगली एक विशेषता है कि इस काल के जो उपन्यास है वो सामाजिक चेतना से युक्त है। स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन के द्वारा सामाजिक चेतना जगाते रहे और ऐसी ही प्रेरणा वो दूसरे कवियों को, लेखकों को देते रहे कि इस काल में जितना भी साहित्य, चाहे वो गद्य में है चाहे पद्य में है, उससे एक सामाजिक चेतना जागृत हो। इस तरह से कुछ भी ना लिखा जाए जिसका कोई भाव बोध ना हो, जिससे समाज को कुछ प्रेरणा ना मिले, जिससे हमारी वो उस समय की जो पीढ़ी है वो कुछ भी ना सीख पाए, कुछ प्रेरणा ना ले पाए, ऐसे लिखने के पक्ष में आचार्य द्विवेदी बिल्कुल भी नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ लिखा जाए जिससे प्रेरणा प्राप्त हो, जिससे कुछ सीखे आने वाली पीढ़ी। वो सामाजिक चेतना जगाने वाला लेखक लेखन इस काल में किया गया। इस काल के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, हरिकृष्ण जौहर, विठल दास नागर, किशोरीलाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इस काल के प्रमुख लेखक। इसके बाद आता है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग जिसके प्रमुख हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे जिनमें प्रमुख सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद का लिखा हुआ मंगलसूत्र भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास होता यदि ये पूरा होता। विद्यार्थियों, दुर्भाग्य से प्रेमचंद जी का देहावसान हो गया और ये उपन्यास अधूरा रह गया। तो इस तरह से उन्होंने इन उपन्यासों से हिंदी उपन्यास में अपना नाम अमर कर लिया और इन्हीं उपन्यासों के आधार पर इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी जाती है। सेवा सदन से शुरू हुआ इनका सफर मंगलसूत्र पर आते आते खत्म हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी शैली, इनकी भाषा, इनका लेखन उत्तरोत्तर आगे से आगे परिष्कृत और परिवर्तित होता चला गया। इनके काल में ही एक अन्य महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हुए हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण दो उपन्यासों की रचना की, कंकाल और तितली। प्रेमचंद जी की तरह ही इनका इरावती नामक उपन्यास इनकी अकाल मृत्यु के कारण अधूरा रह गया, लेकिन कंकाल और तितली इन दो उपन्यासों से ही इन्होंने अथाह ख्याति अर्जित कर ली। हिंदी साहित्य जगत में इनके उपन्यास मील का पत्थर है। तीसरे इस काल के विशेष उल्लेखनीय जो उपन्यासकार हैं वो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुलीभाट और चतुरी चमार, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे। तो इस प्रकार प्रेमचंद और उनके समकालीन साहित्यकारों में जिनकी चर्चा अभी हमने की है, उन्होंने अपने लेखन से हिंदी उपन्यास में अपना योगदान दिया। इसके बाद अगला जिस काल का नाम लिया जाता है वो है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद जी के बाद का युग। इस काल के उपन्यासों की या उपन्यासकारों की चर्चा की जाए तो इस काल में भी अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए हैं और इस उपन्यास की विधा को प्रतिष्ठा दिलाई है। इस काल के
उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, राहुल शंकरत्यान, राधिका रमण, प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, उषा देवी, उदय शंकर भट्ट, ये इत्यादि इस काल के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इस काल के उपन्यासकार मानवतावादी उपन्यासकार उपन्यास या यूँ कहें कि इस काल के उपन्यासकार हैं वो मानवतावादी उपन्यासकार और इस काल के उपन्यास वो मानवतावादी उपन्यास। इसमें यथार्थ जीवन को चित्रित किया गया है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास भी इस काल में न्यूनाधिक मात्रा में लिखी गई। इसी काल में कुछ ऐसे उपन्यास भी लिखे गए जिन्हें सामाजिक सरोकारों के उपन्यास कह सकते हैं। समाज का यथार्थ और आदर्श चित्रण इन उपन्यासों में किया गया। प्रेमचंद युग की अगर बात की जाए तो जहाँ प्रेमचंद का लेखन आदर्शोन्मुख यथार्थवादी था, प्रेमचंद के बाद के उपन्यास है उनमें आदर्श कम और यथार्थ की मात्रा कहीं बढ़ती गई। और इसी काल में प्रगतिवादी सोच भी शुरू हो गई, जिसके कारण इस काल का लेखन प्रेमचंद से थोड़ा अलग हटकर दिखने लगा है। अगला जो उपन्यास का युग आता है वो है स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास। स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद का जो काल है उसमें किस प्रकार के उपन्यास आए। स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से राजनीति में, देश में, धर्म में, समाज में, हर प्रकार से हर जगह पर अनेक बड़े भीषण क्रांतिकारी परिवर्तन आए और उन कई परिवर्तनों का परिणाम बड़ा ही भीषण भयंकर निकला। अंग्रेजों ने एक नीति हमारे देश के लिए अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। कि अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों पर बंदूक की जोर से शासन नहीं किया जा सकता, उन पे केवल फूट डालकर ही शासन किया जा सकता है। हिंदू और मुसलमान अगर एक हो जाते हैं तो उनको किसी भी तरह से दबाया या रोका नहीं जा सकता। क्योंकि किसी विद्वान ने ऐसा भी कहा था कि भारतीयों पे जो शासन किया जा रहा है वो भारतीयों की मर्जी से ही किया जा रहा है, अगर भारतीय उस शासन के लिए इनकार कर दें तो इस तरह से ये विदेशी शासन कुछ ही पलों में समाप्त हो सकता है। लेकिन अंग्रेज ये जानते थे कि जब तक भारतीय लोगों को अलग रखा जाएगा तब तक उनका शासन बड़े आराम से चलता रहेगा। और इसी नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने जब भारत को आज़ाद किया तो उन्होंने उस फूट डालो और राज करो की नीति को बड़े अच्छे तरीके से अपनाया, बड़े अच्छे तरीके से उसको काम में लिया। और उसका किया ये उन्होंने कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए। भारत और पाकिस्तान दो देश तो उन्होंने बना दिए, एक लकीर उन्होंने खींच दी, वो लकीर भूमि पर कम और उन स्वार्थी नेताओं के दिलों ने उनके सपनों में ज़्यादा खींची गई। वो स्वार्थी नेता जो चाहते थे कि देश की जनता बट जाए, देश का विभाजन हो जाए और राज करने को उन्हें एक नहीं बल्कि दो जगह मिल जाए, और वो दो जगहों का सपना जो वो स्वार्थी नेता देख रहे थे वो सच हुआ। लेकिन उसका खामियाजा भुगता देश की निर्दोष जनता ने। कितने लोग मारे गए, कितनी बहनें विधवा हुई, कितनी माताओं के बेटे मारे गए, इसका कोई अंदाजा नहीं था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। और इसी विभाजन की जो त्रासदी थी, जो लूट वहाँ पर हुई, जो घृणा, सब जो परिवर्तन यहाँ आया उसी को इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। इस काल के जो प्रमुख उपन्यास थे उदय शंकर भट्ट, देवेंद्र सत्यार्थी, मणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन जो इस काल के प्रमुख उपन्यास थे, उपन्यासकार थे। इसके बाद है साठोत्री उपन्यास। साठोत्री उपन्यास अर्थात 1960
60 के बाद के समय के उपन्यास। इस काल के उपन्यासों में की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है आधुनिकता का बोध की भूमिका पर पात्रों का अंकन, यथार्थ की व्यापक स्वीकृति, चरित्रों का बदला हुआ रूप, मोहभंग, संबंधों में दरारें, संबंधों में नवीन रूप, अजनबीपन, प्रेम का विविध रूप, ये सारी इस काल के उपन्यासों की अपनी अलग विशेषता है। युग चेतना, नई पीढ़ी का संघर्ष इन उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। प्रमुख उपन्यास प्रतिध्वनि, अजय की डायरी, ये इस काल के कुछ प्रमुख उपन्यासों में गिने जाते हैं। विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज का।